अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आप सब बताइए, आप सब लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रोजे बहुत अच्छे से जा रहे हैं। गर्मी थोड़ी तेज़ है, ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं तो बंदे क्या है फ़र्ज़ पूरा निभाते हैं इस तरह से ही। तो माशाल्लाह रोजे कम्प्लीट, आज पाँचवा रोज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब अच्छे से, बच्चे हमें सब हम अच्छे से रोजे माशाल्लाह से रख रहे हैं। और इतनी धूप तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाले हैं तो सब्र का बदला तो जन्नत है। तो हम क्या है कि हम जो हमारा फ़र्ज है अल्लाह ताला की तरफ से वो हम पूरा अदा कर सके, और अल्लाह ताला के क्या है दुआ कर सके कि अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, हिम्मत दे, हमें ताकत दे के पूरे महीने के हम रोज़े और तिलावत कुरान, नमाज है और फिर तरावी सब हम कहूँ पूरी हमारी इबादत कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी हो सकती इतनी सब करते हैं, और कुरान मजीद भी ज़्यादा से ज़्यादा दो तो हमें मुकम्मल करने ही चाहिए पूरे रमज़ान के महीने में। और अब देखिए चीचा की मम्मी का कॉल आया था तो वो भी आ रहे हैं, तो आज कुछ काम था उनके तो आ रहे हैं, उस काम से तो हम जा रहे हैं बाहर, फिर काम से लौटेंगे, फिर काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि शेयर किए नहीं जा सकते, तो पर्सनल भी कुछ होते हैं काम, तो फिर हम आए फिर भाई के घर जाएंगे तो वहीं पर खाना खाएंगे और रोज़ा भी वहीं पर खोलेंगे शाम के टाइम, और दोपहर में वो 12:30 के करीब आएगी मेरी सिस्टर, फिर हम बाहर जाएंगे क्योंकि काम कुछ ऐसा है तो लगभग इसमें काम से आते आते हमें लेट हो जाएगा, तो हम फिर शाम में आएंगे। तो भाई के घर पे ही खाने का प्रोग्राम रखा है, भाई ने कहा था इधर ही सब लोग रोज़ा खोलेंगे और वहीं पे डिनर करेंगे, और फिर मेरी सिस्टर चली जाएगी क्योंकि वो काम से आ रही है तो 2-3 घंटे के लिए उन लोगों को इतना टाइम भी नहीं है अभी, और एग्ज़ाम वगैरह भी सूरन के चालू है इसलिए वो भी फ़ौरन ही तुरंत ही निकल जाएंगे। तो चलिए आज की रूटीन तो मैं आपके भाई, मेरे जो भाई है उनके घर की आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी मैंने बहुत तो ज़्यादा क्लिप नहीं उतारी क्योंकि बाहर से आते वक्त फिर हम बहुत थकान महसूस हो गई थी और इतना धूप बाहर लग गई थी कि फिर हम बैठे रहे एक तरफ एसी में 2 घंटे तक, और इतनी ज़्यादा धूप थी तेज़, और दोपहर के टाइम में ही गए थे तो इसलिए तो बस थोड़ा सा मैंने वहाँ का क्लिप उतारी हो तो आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए आज भाई के घर की रूटीन, रोज़े की तीसरा रोज़ा वहाँ पे हमने खोला था तो वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ तल रही है, तो ये मेथी के गोटे हैं, तो ये तो क्या है कि गुजरातियों के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं मेथी के गोटे। तो इसमें काली मिर्च और साबुत धनिया, कोथमीर है, हरी मिर्ची है वगैरह डाल के तलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पकौड़ियाँ तल ली थी मेथी के गोटे, और भाई ने कहा था कि मैं थोड़ा बहुत सब बाहर से लेके आऊँगा रेडीमेड, क्योंकि हमें भाई और हमको बाहर से आते हुए लेट हो गया था। तो भाभी से कहा था कि फिर थोड़ा बहुत बाहर से लेते आएंगे आप, फिर पकौड़ियाँ तल लेना। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ियाँ तली थी, वो देखिए यहाँ पे गुड़ का शरबत बना के कंप्लीट रखा हुआ है। तो क्या है कि रोज़े में गुड़ का शरबत ना हो तो मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए भाभी ने दोनों ने फ्रूट कट करके रखा है, सब एक साथ काम पे लग गए थे, लेट हो गया था ना इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे 3 थाल बना के रखें क्योंकि हम सब भाई बहन साथ में होते हैं ना, तो माशाल्लाह से बहुत सब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, और हमारे बच्चे वगैरह। और देखिए यहाँ पे मिंगो की लच्छी बनाई थी दूध की, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और सबको बहुत पसंद आई। तो 2 टाइप के शरबत बनाई थी क्योंकि भाई को हमेशा शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो जब भी वो रोजा रखते हैं ना तो दो तीन टाइप के शरबत बनवाते ही हैं। वो देखिए यहाँ सीधा सो गए थे, हम बाहर से आए तो वो आवाज़ दी तो उठ गए, वो मेरे पास आके गोदी में बैठ गए थे। तो सीजा और मैं बातें कर रहे थे और मैंने लाड कर रही थी। और कितने टाइम के बाद आए हैं, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई छोटी वाली तब तो आए थे वो, इसके बाद अब आए हैं तो 3 महीने हो गए हैं। और देखिए यहाँ सब दुरुद पाक पढ़ रहे हैं और मम्मी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम इस टाइम हो गया है। और सब देखिए सब कंप्लीट करके तैयार बैठे हुए हैं, दुरुद पाक पढ़ रहे हैं और सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए भाई बाजार से लेके आए थे तो यहाँ दो टाइप के सैंडविच लेके आए थे और समोसे भी कंप्लीट तैयार लेके आए थे, तले हुए ही बाजार से लेके आए थे। और मेथी के गोटे थे वही सिर्फ घर में बनाए थे। और सैंडविच दो टाइप के लाए थे, थ्री लेयर्स के आते हैं ना वेजिटेबल्स, काकड़ी है, प्याज और टमाटर वाले, और ये वाइट सॉस पास्ता वाले थे, वो थोड़े से स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, मेयोनीज वाले। और समोसे थे माशाल्लाह से, माशाल्लाह से इतना इफ्तारी का इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ था। और देखिए यहाँ सीजा गोदी में चढ़ गए हैं और बैठे हुए हैं, मैं दुरुदे पाक पढ़ रही थी, वो दुआ कर रही थी, वो सबको हाय बोल रहे हैं, तभी वो नींद में है। तो सबने रोज़ा खोल लिया है, इफ्तारी कर ली है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बिरयानी, तो ये भी भाई ने बाजार से ही मंगवाई थी, ऑर्डर दिया था। और मेरी सिस्टर रोज़ इफ्तारी करके रोज़ा खोल के तुरंत ही फ़ौरन चली गई थी और बिरयानी साथ में लेके गई थी। तो भाई ने फ़ौरन क्या है कि जल्दी ऑर्डर कर दिया था कि 7 बजे तक बिरयानी आ जाएगी, तो आप इफ्तारी करके बिरयानी साथ में लेके चले जाना, लेकिन खाना खा के ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और देखिए यहाँ पे सब नींदे हो रही हैं अभी, देखिए यहाँ पे घोड़े बेच के एंजल किस तरह से सोए रही है। तो आई होप कि आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो देखिए यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी दुआ में मुझे खास याद रखिएगा, मैं भी अपनी दुआ में आपको खास याद रखती हूँ। और देखिए यहाँ पे एंजल की नींद हो रही है, फैन के नीचे सोए हुए हैं और उन्हें गहरी नींद चढ़ गई थी, देखिए किस तरह से। तो चलिए अब चलती हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।